पूछना चाहता था, इसलिए पूछना चाहता था कि कोई हिंदी भाषी समाज बिखरा हुआ है पूरे मुंबई में, एक तरफ संजय निरुपम है, दूसरी तरफ कृपा शंकर सिंह और भी बहुत सारे तमाम नेता हैं, उसमें आप आपका एक महत्वपूर्ण रोल है। क्या आपको नहीं लगता कि जो अलग अलग खेमा बन गया है हिंदी जो उत्तर भारतीय नेताओं का, इसके वजह से मुंबई और महाराष्ट्र में हिंदी भाषी एकजुट नहीं हो पा रहे? देखिए, अगर आपने अभी नाम लिया संजय निरुपम का, मुझे याद है कि जब उत्तर भारत बिहार से लोग आए थे और आए थे रेलवे का एग्जाम देने के लिए। अच्छा, रेलवे कोई महाराष्ट्र के नहीं है, रेलवे सेंट्रल गवर्नमेंट के, पूरे देश के लोग में जाती है, पूरे देश का एग्जाम था। कल्याण में शिवसेना वालों ने बहुत मारा उनको, और आए बेचारे भूखे प्यासे आए हैं नौकरी तलाश करने अपने ही मुल्क में, बाहर नहीं। बेचारा झोरा लेके उतरा, उसको मार रहे हैं और वो फोटो छपाना, तो मैं तो तड़प उठा। पार्लियामेंट में हमने उठाया इस बात को, राज्यसभा में, और ये बहुत बोलता था संजय निरुपम, बहुत चिल्लाता था पार्लियामेंट में, तो हमने बुला कर हमारे नेता जिनको छोटा लोहिया बोलते थे, जनेश्वर मिश्रा जी ने बुला के बोला कि यहाँ आओ तुम, आज ना हम लोगों ने रखा है उत्तर भारतीयों पे जो हमला हुआ ना पार्लियामेंट में, उस पर आज चर्चा है, तुम बोलना। कहा सर हम कैसे बोलेंगे, हमारे लोग तुम्हारे हैं शिवसेना वाले, हम तो बोल ही नहीं सकते। अब ये दोगले नीति, दोगली नीति, उनसे बोलो उस दिन का रिकॉर्ड निकालो, हम सब लोगों ने कितनी लड़ाई लड़ी थी कि पर प्रांतियों को मारा गया बम्बई में, तो संजय निरुपम की जबान बंद थी। ये सांप्रदायिक लोग हैं, ये जो जो है हिंदू मुस्लिम लड़ते हैं और चांस मिलता है तो फिर हाथ जोड़ लेते हैं। महाराष्ट्र में समाजवादी, सर एक थोड़ा सा कड़वा सवाल है आपसे, जितने भी उत्तर भारतीय नेता हैं वो हिंदी भाषियों को न्याय दे पाने में विफल रहे हैं? हाँ बिल्कुल, चपरासी हैं। मैं खुला बोल रहा हूँ, मुझे याद है मुझे एक नेता ने फोन किया, वो नेता अगर सुन रहे हो तो उनको मालूम होगा कि किसके बारे में बोल रहा हूँ। मैं नाम लेके किसी को अपमानित नहीं करना चाहता। उनके मंच पर विलास राव जी ने कहा था कि ओ भैया तुम गाँव जाना ना तो जाकर आ जाना, किसी को साथ लाना मत मुंबई। अगर मुझे बोलते ना तो मैं कहता तेरे बाप का मुंबई नहीं है, मुंबई में रहने वाले, मुंबई इसी मुल्क का है, कोई मुंबई अमेरिका लंदन पाकिस्तान और बांग्लादेश का हिस्सा नहीं है, मुंबई हमारी है। हम जो भी बेचारे परेशान हैं रोजी रोटी, क्योंकि देखिए जब बजट का बंटवारा होता है ना तो शहरों को ज़्यादा मिलता है। बिल्कुल, शहरों में सड़कें बन रही हैं, शहरों में आलीशान बिल्डिंग बन रही है, गाँव में जाना क्या बन रहा है, गाँव बिल्कुल मिलते नहीं। एक केला एक सेब खाने को आदमी तड़प जाता है गाँव में, कुछ न डॉक्टर है न अस्पताल है न कुछ है। तो लोगों को मुंबई लाकर रोजी रोटी, कह रहे कि आप अकेले आना। और एक बार उत्तर प्रदेश के बड़े नेता को कांग्रेस ने नीचे उतार दिया तो उन्होंने मुझे फ़ोन किया, मैंने कहा यार आपको शर्म आना चाहिए यार। मैंने उसी दिन बैठ कर सोचा क्या करूं, फिर मैंने एक नारा बनाया कि मुंबई है आपकी नहीं किसी के बाप की, ये नारा लगाया चारों तरफ, तो बहुत मेरे पहले किया। देखिए ऐसा है ना कि आदमी को ज़रा कम से कम अपनी आवाज़ बुलंद करना चाहिए, क्या पिछलग्गू नहीं रहना चाहिए कि भाई अगर मैं कांग्रेस पार्टी में हूँ कुछ बोल दूंगा तो मुझे टिकट नहीं मिलेगा। अरे टिकट फाड़ में गया, टिकट क्या वैल्यू होती है? आदमी को अपनी पॉलिटिक्स और MLA MP बनने से कोई नेता नहीं होता है। अगर आप बोलेंगे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब एक बार राज्यसभा गए थे और हमारे कितने लोग हैं, मनमोहन सिंह जी इतने काबिल आदमी हैं, कहाँ इलेक्शन जीत पाते हैं? ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो बहुत काबिल हैं लेकिन MLA MP नहीं बनते है नेता, वो उनका नाम एक कितने 10-10 बार MLA MP बन चुके हैं, कोई जानता नहीं उनको, और कितने कुछ बने नहीं आज तक, उनका नाम अमर है। तो लोग समझते हैं कि मैं MLA बनूंगा तो ही नेता बनूंगा, ये गलत है।